वणकम दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा बर्थडे है, जैसा कि आप सभी को पता ही होता होगा, 24 सितंबर। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितना साल का हो गया हूँ, तो मैं हो गया हूँ 26 साल का। 26 साल को इंग्लिश में बोलते हैं 26 ईयर्स, तो मैं 26 ईयर्स का आज हो गया हूँ। आज मैं मिलने जाऊँगा दीपक नवम सर से, और उनके बारे में क्या भी तारीफ़ करें, जितना भी तारीफ़ करें कम है। वो 200 से ज़्यादा मेंटली चैलेंज लोगों को शेल्टर दे रहे हैं, तो उनसे ही मिलने जाएंगे अभी हम, और आज उन लोगों के साथ ये बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरे तरफ से तो मेरे पास भी तो बहुत पैसे तो नहीं है, तो इसलिए मैं उनके मेरे तरफ से थोड़ा राशन पानी वगैरह लेके जाऊँगा उनके लिए। और जो ये मदद है वो उनके लिए नहीं है, वो जो मेंटली चैलेंज लोग जिसको वो देख रहे हैं उनके लिए ये मदद है। तो चलिए चलते हैं, अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कि हम लेंसन वीकली टीम को, परिवार को, कि कुछ हम डोनेशन रेस कर सकें तो वो भी करेंगे। तो देखते हैं, आगे जाके पता करते हैं। सबसे पहले मैं खरीदने जाऊंगा राशन। अंदर तरफ ओके, तो ये सामान हो गया जो अभी हम देने जाएंगे नवम लिविंग होम में। और अब बारी है लेने की केक, जो मैंने कल ऑर्डर किया था। थैंक यू। तो ये है केक हमारा। आज हम केक कटिंग सेरेमनी भी करेंगे, क्योंकि वो लोग रूम में शेल्टर में रहते रहते बोर हो जाते होंगे, तो केक काटेंगे तो थोड़ा उनके चेहरे में भी स्माइल आएगा। मेरे वजह से थोड़ा सा भी स्माइल उनके चेहरे में आया तो मैं भी खुश होऊंगा, तो इसीलिए। तो गाइस, अभी हम जाएंगे दीपक नवम लिविंग होम में, अ होम फॉर नो होम। एड्रेस है ईटानगर के सेंगी पार्क में। तो चलिए ओके। तो ये है अंदर से, ये हमारा गेट कीपर है। जी जी, ये भी एक समय में बिल्कुल पैरालाइज का रूप में था, यहाँ से लेके वो पूरा पैरालाइज था जी। तो यहाँ हम लोग इसको एक साल दो साल ऐसे रखा, इसके बाद अच्छा हो के आज हम लोग का सेवा कर रहे हैं गेट कीपर बन के। इसका नाम है सानू लंग। ओके, यही से रिकवर हुआ है ना? हाँ, यही से रिकवर हो के आज ये कर रहा है। ओके, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ये भाई लोग भी, हाँ, ये भी ड्रग्स का मामला था इसका, अभी छोड़ दिया, अभी छोड़ के छोड़ दिया, अभी हो गया एक साल। कॉन्ग्रेचुलेशन। नया घर को भी वही साथ में पेंटिंग किया। ओके, अरे लकी सिरम। हाय, ये लोग मेंटेन। हाँ ओके, तो ये इस प्रकार से रहते हैं ये लोग। जी जी जगह नहीं। ओके जी जी, ये भी दोनों है, दोनों। ओ ये पुलिस का लाया वाला था। ओ, पुलिस का लाया वाला ना। ओके, तो कितना साल हो गया इसको यहाँ में आके? यहाँ आके कम से कम एक साल से ज़्यादा हो गया। ओके, पुलिस। और ये लोग तो असम का लोग है, और कौन लोग ना? असम से ना। हाँ, असम से। जी जी, ये लोग का कोई मालिक नहीं, हम लोग ही मालिक है ये लोग का, ये लोगों का हम लोग ही मालिक। हाय हाय, नाइस टू मीट यू। और ये वाला ड्रग्स एडिक्ट वाला ना, ये भी ऐसे ही केस, ड्रग्स केस में। हाय, अभी रिकवर होके ये भाई लोग यहाँ ड्रग्स वाला लोग ऐसे रहते हैं। थैंक यू। चुप चुप रहे भाई लोग, चुप रहे। वो भी पासीघाट का है, कॉमुट। ओके, तो ये लोग जो अभी सब सो रहे हैं ना, वो ना, ये लोग सब छोड़ दिया ना अभी ना? हाँ, छोड़ के अभी रिकवर होके, ऑलमोस्ट रिकवर होके। ओके ओके, प्रे कर रहे हैं ना, प्रेयर कर रहे हैं जी। जी, हाँ, ये तो पैरालाइज। और पैरालाइज था ना। हेलो, हाय, लालबम कोमल का लाके, जल्दी ठीक हो जाइए। हाँ, जल्दी ठीक हो जाइए, जल्दी ठीक कर देगा भगवान, जल्दी ठीक कर देगा जी। ठीक है, चलिए। ये उनका रिलेटिव है? हाँ, ये इसका मिसेस। ओके, हेलो जी, जल्दी ठीक हो जाइए। मना पाई 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 मना पाई।
लोग अभी थोड़ा रेस्ट का समय है, उसके बाद आफ्टर फोर पीएम को हम लोग फिर से प्रार्थना में लगे हैं। हमको नाम नहीं बता रहा था, ये क्या है, किचन? ये स्टोर है हमारा। ओके, तो यहाँ पे स्टोर है, चावल वगैरह रखे गए हैं यहाँ पे। हेलो, हाय, शर्म कर रहा है। हम ना आप लोग के लिए केक लेके आया है। क्या? केक, केक बाद में केक काटेगा ना। केक? हाँ, केक, केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, आज मेरा बर्थडे है ना। पैसा 10 रुपए दे, बाद में देगा जी। ये भी ऑलमोस्ट, ये भी रिकवरी है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आया था ये यहाँ ना जी, तब तो बिल्कुल वायलेंट था जी, बिल्कुल वायलेंट। ओके, हाँ नहीं, अभी तो मेडिसिन नहीं खा रहा है, ये पिला। जल्दी ठीक हो जाइए ना, जल्दी ठीक हो जाइए ना, पूरा ठीक हो जाए। हम आते रहेगा मिलने आप लोग को जी। वही तो, बहुत सुंदर लग रहा है दीदी। भैया, ये लिविंग होम के लिए जितने भी है, इसके लिए ना थोड़ा सा राशन लेके आया था, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। चावल वगैरह लेके आया था ना। चलो एक बार सर के लिए। मेरा बर्थडे ना, हैप्पी बर्थडे। तो गाइस, आपने देखे होंगे कि रिकवरी केस काफ़ी ज़्यादा था, मतलब कि जो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं, चैलेंज लोग होते हैं, तो उनको प्यार की ज़रूरत होती है। अगर आप उनको प्यार इग्नोर नहीं करके कि ये तो पागल है, इसे इग्नोर कर दिया जाना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करके अगर आप प्यार दोगे तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे लोग। और तो अभी मैंने आप लोगों को पूरा इस जगह का टूर करवाया और सभी से मिलवाया। सभी लोग अलग अलग जगह से, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई असम से है, कोई अरुणाचल के अलग अलग एरिया से है कोई। तो सभी लोग ऐसा होके एक इकट्ठा होके फैमिली जैसे बैठे हुए हैं। बहुत ही प्यार मिल रहा है इन लोगों को, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है। बस कमी है तो फंड्स की, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये लोग। गवर्नमेंट से तो कुछ तो एम्बुलेंस वगैरह मिला है ऐसा सुनने में आया था, बाद में दीपक नवाम सर से भी बात करेंगे, तो एम्बुलेंस वगैरह मिला है, बट जो मंथली फंडिंग होता है वो कुछ नहीं मिल रहा। दीपक नवाम सर खुद, मतलब खुद अपने अपने जो भी उनका जो रोज़ी रोटी होता है ना, उसी से निकाल के इन लोगों के लिए मैनेज कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और थोड़े मोड़े जो डोनेशंस आते हैं उनसे वो जो इनकी मदद कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मदद करें। मैं तो अभी आज के लिए राशन पानी लेके आया हूँ इनके लिए, इनके साथ मैं केक भी काटूँगा, क्योंकि इनसे मिलके मुझे भी एक काफ़ी होमली वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं इनके साथ केक भी काटूँगा। आप लोग भी ज़रूर यहाँ पे विजिट करना, इनको मोटिवेट करने के लिए आना, इनके लिए राशन पानी लेके आना। डोनेशन ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप डोनेशन यहाँ पे कर रहे हो तो आप दीपक नवाम सर को नहीं कर रहे, आप ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं डोनेशन। तो ज़रूर डोनेशन कीजिए। एंड जो दीपक नवाम सर का जो अकाउंट डिटेल्स है, मैं सभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा होगा। आप अगर आप बाहर स्टेट में रहते हो, आप यहाँ पे विजिट नहीं भी कर पाओगे, तब भी आप मदद कर सकते हो। मैं दीपक नवाम सर का, जो इस लिविंग होम के जो ऑनर है, जो इन सभी को देखते हैं, इन सभी 200 से ज़्यादा लोगों को देखते हैं, उनका मैं अकाउंट डिटेल्स मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, गूगल पे नंबर वगैरह या फिर अकाउंट डिटेल्स, तो आप उनको डोनेट कर सकते हो विलिंगली। आप लोग जितना डोनेट करोगे उतना, मतलब अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और इनको भी अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कीजिए, हर कोई डोनेट कीजिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मामूली नहीं होता 200 लोगों को अकेला पालना, मामूली नहीं होता। तो आप लोग मदद कीजिए। डोनेशंस को मैं हमेशा के लिए ओपन कर दूंगा, क्योंकि ये जो सर हैं, दीपक नवम सर है, इस लिविंग होम को हमेशा के लिए चलाने वाले हैं, तो मैं इस डोनेशन को भी हमेशा के लिए ओपन कर दूंगा। आप दीपक नवम सर के अकाउंट में डोनेट कर सकते हो, कभी भी डोनेट कर सकते हो। डोनेट करते रहिए, बार बार करते रहिए, मैं भी बार बार आता रहूँगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ लेके इन लोगों के लिए, इन लोगों के साथ मौज मस्ती करने के लिए, इन लोगों के साथ फैमिली वाला एटमोसफेयर बनाने के लिए, ताकि ये लोग अपने आप को इग्नोरेंट फील ना करें और जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए।
तो गाइस इट्स टाइम कि इनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। तो चलिए, असम से आप डॉक्टर हैं? डॉक्टरेट किया है ना? ओके ओके, आपका नाम क्या है? गणेश छेत्री। अभी तो गणेश छेत्री? ओके ओके, फेस देखो नायवाने में खराब हो गया। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा लग रहा है। आप हैंडसम लग रहे हो। देख के बोलना है। हाँ, हैंडसम लग रहा है। तो ठीक है, अभी हम केक काटेंगे। मेरा आज बर्थडे है, विश कीजिए। विश कीजिए। हाँ ठीक है, विश। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए हम लोग केक काटेंगे। कभी कभी हम ना, कभी कभी नहीं, हमेशा आऊँगा, हमेशा आऊँगा। जी जी, हमेशा महीना में तो कम से कम दो बार ज़रूर आऊँगा आप लोग से मिलने। हाँ जी जी, हाँ ठीक है। छिलके देना है। जी जी जी, ठीक है जी। चलिए, तो वैसे 2 किलो का केक मुझे पता नहीं था इतने सारे लोग होंगे, तो मैंने बस 2 किलो का ही केक ऑर्डर किया, बट छोटे छोटे पीसेस में काट के सबको खिलाऊंगा। ये सूख गया, गला सूख गया। राहुल, अच्छा हम लोग सब लोग प्रे करेगा, सब लोग जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ बोल के, और सब लोग बहुत खुशी से रहो बोल के ना, प्रार्थना करेगा ना रंजीत सर को इसी तरह और आगे बढ़ने के लिए मिलकर। हम लोग उसके लिए, इसका 26 बर्थडे है आज, उसके लिए आइए, हम उसके लिए ब्लेसिंग के लिए सभी मिलकर प्रार्थना करेगा, सभी आके बंद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शुभ राज्यों का खुशियां हो, परमेश्वर यूथ का जीवन में वो फैमिली को आपके हाथों में फिर से देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बर्थडे था अभी तक का मेरा। आप लोगों ने मेरा बर्थडे को बहुत, आप लोगों ने मेरा बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाया, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। आप सभी को थैंक यू सो मच। अभी हम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और एक बार ताली बजाएं। ठीक है, तो यहाँ पे केक कटिंग हो रही है, काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में काटना पड़ रहा है क्योंकि बस 2 किलो का ही है। मैंने इतने सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ये लाइन में सभी खड़े हैं केक के लिए, तो इतना होमली एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे आप लोग भी ज़रूर विजिट करना। पीछे लाइन देखिए, तो आप लोग भी ज़रूर विजिट करना, 2 पल की खुशी आपको भी मिल जाएगी, इनको भी मिल जाएगी, तो सभी लोग खुशी से रहेंगे और जल्दी से जल्दी ये लोग भी रिकवर हो जाएंगे उसी बहाने। तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट करना, मदद करना, डोनेट करना। मैंने डोनेशन डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया और स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा होगा, तो आप इनको डोनेट करना, मैं यही चाहूँगा। मिमी गज्जी के दे, इतना अच्छे से कटे होगा, सबको जुड़ जाएगा लग रहा है। थैंक यू ममता जी। हां, लाइन में आ जाइए, लाइन में। ओए आयो, उधर खींच के ले जाओ, हमको भी दे दो। उनको दिया है ना राहुल? ना, चलो हो जाए, राहुल को और एक दे दो। चलो चलो चलो, हम ये ले जाओ। लिख ला मन उनका, तो मना मना आता। तो सब ये लोग भी आता है प्रे करने टाइम में? हाँ, हाँ, सबका सब ओके। ये लोग मेंटल होने से वो लोग का दिमाग में ऐसा सेट कर दिया हम लोग जी, कि वो लोग सुबह प्रार्थना के समय में आना है। हाँ,
और शाम को भी आना है। हाँ। ऐसे हो गया, खुद बुलाना जरूरी नहीं, खुद ही आ जाता है। खुद ही आ जाता है। हाँ, हाँ। आना शुरू हो गया, सब खुद आ जाता है। तो इन लोग को भी एक्टिविटीज कराते हैं ये सब? हाँ, ना करा म्यूजिक वगैरह। हाँ, म्यूजिक वगैरह कराता है। इन लोग के लिए भी चर्च के लिए, संडे का चर्च के लिए अलग है, वो लोग के लिए अलग सिस्टम रखा हुआ है। जी गाइस, आप लोग भी यहाँ पे विजिट करना, सेंकी पार्क ईटानगर में। इनको मोटिवेट करने के लिए आना। मैं भी अभी से आता रहूँगा बार बार यहाँ पे। मुझे आके मतलब हमको ना बहुत पीस शांति मिल रहा है। हाँ, हाँ, यहाँ से जाने मन में ना। हाँ, फैमिली ऐसे ही हो गया ना। अरे अरे क्या मतलब ना। हाँ। मतलब एक अपना जहाँ से हम पैदा हुआ था उस रोइंग को छोड़कर मतलब यहीं अपना घर लगता है। कभी कभार छुट्टी लेके रोइंग करने से जल्दी वापस आना है यहाँ। ऐसे सस्ता खाली इंग्लिश लोगों के लिए मतलब जब मेंटल का समय में केराते खेलते रहता था मेरा साथ, हमेशा केराते खेलता रहता। लेकिन यहाँ रहते अभी 2 साल हो गया, पूरा रिकवर हो गया, अलग हो गया। पहले मतलब एक लोकल मुर्गी तो जैसा उड़ता था, अभी ब्रॉयलर मुर्गी बन गया। प्रभु ऐसा बना दिया उसको। ये जेनिया मोटू दापो का। अच्छा, ओके, दापोरी चौक है। हाँ, दापोरी चौक। जितना भी रिकवरी केसेस है ना, उनको सुन के बहुत मतलब खुशी लग रहा है। हाँ, हाँ। अभी अरे आप लोग इतना फ्रेंडली एटमोसफेयर में रह रहे हैं ना। हाँ। आप लोग जैसे रह रहे हो उससे डायरेक्ट हमको पता चल गया कि एक दिन जितना भी यहाँ में पेशेंट है, जितना भी लोग है ना। हाँ। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। ये भी रिकवर हो गया। हेलो आयदन, ये बिहार से कल परसों आ गया। कल परसों है, ओके। तो इसका क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? वो भी ऐसे ही है, मेंटली है प्रॉब्लम ना। okay, okay. लेकिन वो इसका घर परिवार हम लोग भी मालूम नहीं है। मतलब वहाँ में खेलते खेलते ट्रेन में उठ गया, ट्रेन में उठ के नाहरलगन स्टेशन पहुँच गया। अरे तो वहाँ से फिर पुलिस वगैरह लोग हम लोग को यहाँ दिया गया इसका। okay. तो पुलिस वालों ने आना। हाँ ना। okay. अपना नाम बताइए। राहुल। राहुल, और आप बिहार में कहाँ से आए हो आप? तबला। तबला छपरा ना, तबला छपरा। छपरा से होगा, छपरा। तो आप जो कैसे यहाँ पे आ गए? भूल लेते हैं। भूल गया। तो ठीक है, आप यहाँ पे सभी लोग आपको बहुत ही प्यार करेंगे, और यहाँ पे सभी लोग अपने ही हैं, तो आप उनके साथ खुशी खुशी रहिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। गॉड ब्लेस यू। यहाँ तो उसको 100% केयरिंग मिलेगा सर, कुछ उसको मिलेगा। बहुत बहुत मतलब ये ना भगवान इसका ऊपर मतलब बहुत वो था, कृपा किया भगवान भी ना कि यहाँ पे आ गया मतलब वगैरह सब। यहाँ आपको सब बीमार, ये भी बिल्कुल, ये भी घर से बांध के लाया गया था। ये बिल्कुल यहाँ पूरा घाव होके, इतना बड़ा घाव होके घर वाला यहाँ से बांध के लाया था घर वाला लोग ना। हाँ, अभी यहाँ हम लोग रख के प्रार्थना करके उसका ट्रीटमेंट करके अभी तो बिल्कुल रिकवर हो गया। ये ऐसे ही सेम केस। एक्चुअली ना भैया, ये लोग क्यों इतना जल्दी रिकवर हो रहे पता है? क्योंकि यहाँ पे एकदम होमली वाला एटमॉस्फेयर। हाँ, हाँ, मतलब कोई खा किसी से भी रिजेक्शन फील नहीं होगा। नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि सब लोग एक फैमिली जैसे रहते हैं। हाँ, 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 तो ऐसा, क्योंकि जब ऐसा अभी ये बाहर में जाएगा तो आदमी लोग ये तो पागल है बोल के भागेगा। हाँ, 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 लेकिन यहाँ पे एकदम होमली वाला एटमॉस्फेयर मिल रहा है, इससे लोग जल्दी रिकवर। उसको जितना मिल रहा था वो मिल पा रहा है यहाँ बैठ के ना, इसलिए जल्दी वो लोग खुश होके रिकवर हो रहे। ये भी पुलिस का दिया हुआ, ये भी बंदर गांव में इसका भी कोई नहीं था, मतलब एक झोपड़ी में ऐसे बैठ रहा था ये। हाँ। ये माधव। हाँ। तो पुलिस वाला लोग ने हम लोग को ला दिया। हाँ। ये भी काफी साल हो गया ये। Okay. ये भी बैठने के लिए बोल समझ में नहीं आ रहा ना। वो लोगों का तो बात कहाँ से ये लोग जो? ये सेपा से है ना। इसका तो ठिकाना नहीं, ये तो पुलिस वाला लाया। पुलिस वाला लाया। ओके, तो गाइस ये है इनका किचन, यहाँ पे खाना बना रहे हैं। सब रिकवर होके वाला है। ओके, रिकवर वाला लोग है ना। ये भी अल्कोहल केस था जी, रिकवर हो गया। ये भी अल्कोहल केस था जी, वो भी एडिक्शन। वो तो अच्छी बात उठा तो पबजी होता है ना, एक पबजी गेम। वो खेल खेल के पूरा पबजी स्टाइल में ऐसा हो गया। ओके,
अभी आके यहाँ रिकवर हो गया। पबजी का वजह से ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ। ओके। पबजी ज्यादा खेलता था, गेम ज्यादा खेलता था, पूरा ऐसे रोबोट की तरह ऐसे था। खेल खेल के ना अभी अच्छा हो के काम कर। ठीक है, ये भी और फन। ओके। इसका कोई नहीं है। ओके। हम लोग ये है इसका। ये कहाँ से है? ये पुलिस वाला राजिया वाला। ये भी पता नहीं एकदम आते समय में यहाँ कहाँ से कैसे 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 सिलाई करके ला दे वाला। बिल्कुल उठने नहीं सकता था, पुलिस लोग लेके आया। अभी यहाँ हम लोग ट्रीटमेंट किया, वो किया, अभी अच्छा हो के रिकवर हो के अच्छा हो के। ओके जी। हम जो या पासीघाट, पासीघाट जी जी, ये आलो से भेजा गया है, आलो मेडिकल से ना, हरपन है बोल के। ये ऑर्फन, ऑर्फन केस है ना। okay. ये और इसका साथ और एक भेजा। ओके। पैरालाइज तो वो ना, वो आलो से ना। हेलो, इसको अभी जितना केयरिंग चाहिए सब हम लोग का लड़का लोग केयरिंग दे रहा है। उसका डाइपर चेंज कर दे, पानी ला देना, खाना देना, नहा देना, सब कुछ हम लोग का लड़का लोग कर दे रहे हैं। उठा के धूप में भी कहीं ये व्हील चेयर में बिठा के धूप में भी कभी ले जाता है, कभी छाया में ले जाता है, गाना गाने का जगह में ले जाता है, ऐसे करके हम ठीक है। गॉड ब्लेस यू। करना ये करना वो करना वो सब छोड़ दिया, मतलब ना ये लोग के लिए जीना है अभी, वही हम लोग की सैक्रिफाइस है। फिर क्या केस लोग है? मेंटल केस ना। इसका न्यूज़ आ गया तो आप इसका एक बार न्यूज़ सुन के जाइए। हाँ चलिए न्यूज़ सुना दीजिए। हाँ बता। नमस्ते करो पहले। नमस्ते। नमस्ते। ये वन इंडिया रेज टनो का विभिन्न से तरंकेतन कौन सा पड़े विभिन्न से तरंकेतन कौन सा पड़े सोलेगा पे নরেন্দ্র মোদী 35 crore কমাই দিত 35 crore মালিক বিনাম দেন উনিশশো পরে সেমিস্টার হিসাবে প্রেমকাণ্ড বি টাকা মুহূর্ত সেই নরেন্দ্র পরে সব লেগা পেলে করা 75 crore কম নরেন্দ্র মোদী বি মালিক বিত করেন 75 crore মালিক বিনাম দেন উনিশশো পরে সেমিস্টার লেখা টাকা মুহূর্ত সেই নরেন্দ্র পরে আগে রান্না বাইরে পিরুম দেয় ডেভেলপমেন্ট আগে টাকা ইডুক করেন কমিকান ইডুক করে দেব। জয় হিন্দ। জয় হিন্দ। জয় হিন্দ। আইরুদ बहुत बहुत बड़ा बहुत अभी तो और भी बनाने की जरूरत पड़ेगा लग रहा आप लोगों ने। नहीं जुड़ रहा है ना? क्या नहीं जुड़ रहा है? जगह जगह उल्टा नहीं जुड़ रहा है। ये भी लास्ट टाइम हम लोग जो अभी किचन तो टेम्पोररी बनाया हुआ है ना। हाँ। किचन के लिए इसको बनाया था। फिर आदमी आ रहा है, फिर दूसरा का तकलीफ को हम लोग फिर वो नहीं कर सकता है। हाँ। रात रात के रंग भैया मुझे अपना राज्य दिखाने वाले हैं। कहाँ पे आपका राज्य? कहाँ गए? हाँ चप्पल खोल लिया थोड़ा। वो कहाँ गया? तो ये है इनका राज्य। ये आपका राज्य है ना? ये भारत है ये ना। हाँ ये भारत है ना जी। ये राज्य है। वो आ गया। हेलो, आपसे कोई मिलने आया? अरे पहचानता है हमको? पहचानते हैं। आप यूट्यूबर, आप यूट्यूब में आपको दिखते रहे तो आपका एल्बम। हेलो, अरे इतना अच्छा। अभी हम लोग यहाँ से रहे आपको पसीगन में एक राज्य एक जगह में आग जलाता है उसमें भी आप डोनेशन कर देते हैं। अब से मान कौन हो सकता है? थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू ना। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हम सो रहा था ना अभी जगह के लाए ना ये नीचे मना रूम में हम तरफ आप लोग उन लोगों के साथ बर्थडे मनाएगा बोल के ना। हां थैंक यू। हां ठीक है जी। थैंक यू। हाय हाय। आपका नाम क्या है? दादी रे। दादी। हां ओके ओके। बिल्कुल मुंह बिल्कुल नहीं था इसका। नहीं मिट्टी में सोता था ना। कपड़ा तो पहनता ही नहीं था। हाँ सो रिकवर हो गया ना अभी ना। मिलके अच्छा लगा आपसे। यही है हमारा घर, छोटा सा परिवार ना। काफी बड़ा परिवार है लेकिन सब लोग बहुत खुशी से रह रहे हैं तो देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ वही वही।
में तो और इससे भी बड़ा करेगा सस्ता है। हाँ हाँ। लेकिन वही अभी गवर्नमेंट से तो कुछ एफोर्ड नहीं है, तो हम लोग जितना जी जान लगा के अभी करता है, एक रुपया दो रुपया मिला वाला लोग से कर करके ना। हाँ। तो वो लोग को करते आ रहा है। गवर्नमेंट से फंडिंग होने से तो मतलब इजीली हो जाना था, लेकिन मंथली मंथली बहुत समाज सेवा कर सकता था। हम लोग तो कोई कोई यहाँ आता है बोलता है इतना को कैसे संभालता है, अरे हम लोग तो अपना भाई भैया समझ के संभाल रहे हैं ना। हाँ। कोई बुरी माँ आएगा तो अपना माँ जैसे करता है। हाँ। कोई बुरा आएगा तो उसको अपना पापा जैसे सोच के करके कर रहा है। हाँ। हाँ। छोटा आने से एक अपना भाई एक बहन की तरह करके कर रहा है। हाँ। ना हाँ। आप लोगों ने देख लिया, और आने वाला समय में तो और कितना है होगा ऐसे, और जाएगा बहुत आएगा। तो आप लोग भी हमेशा आइए यहाँ, विजिट कीजिए, आते रहिए, हम लोग तो वेलकम है, छोटा सा परिवार। तो यहाँ अरुणाचल में असम से, वेस्ट बंगाल से, नेपाल से यहाँ अनेक प्रकार का जो टर्मिनली सिक जी और जो मेंटली रिटार्डेड जी और समाज से जो आउटकास्ट लोग, उन लोगों को यहाँ पर जमा बरा है। तो सर मतलब कैसे पॉसिबल होता है कि जैसे कि अपने फोन में बात किया था, और यहाँ पे मैं जो देख के भी लग रहा कि 200 से ज़्यादा है, 212। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी जो है यहाँ हमारा जो वॉलंटियर्स, अभी जैसे यहाँ आप खुद देखा जी, ये वॉलंटियर्स लोग उन भी कौन सा अच्छा बैकग्राउंड से आया, वही लोग रिकवर करने, रिकवर हुआ लोग है। ओके रिकवर होने की बात यहाँ सेवा करा, अदरवाइज बाहर का आदमी कोई करना नहीं चाहेगा यहाँ। हाँ। तो ये जो वॉलंटियर्स और स्टाफ्स को मिला के 212 है अभी, और स्टाफ्स वॉलंटियर्स 12 है जी, और उसका बाकी बात जो है 200 राउंड फिगर में 200, और बिल्कुल अनेक प्रकार का अभी जैसे मैंने बताया है, टर्मिनली सिक है, पैरालाइज्ड है, फिजिकली चैलेंजेस है, मेंटली जो डिसऑर्डर लोग हैं, जो जिसको जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, ऐसे लोग हैं। और यहाँ 90% जो उस इनमेट में से मेंटल डिसेबिलिटीज लोग हैं, और इस लेके मैंने थोड़ा आगे मैं आपको बता रहा था कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का अंदर में हमें हाफ वे होम का जो दिया गया है ऑथोराइज किया, और अरुणाचल प्रदेश में यही एकमात्र हाफ वे होम का संस्था है। हाफ वे होम मीन्स ये जो मेंटल डिसेबिलिटीज लोगों के लिए, और जितने भी वेरियस मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जो लोग लैंग्वेजिंग हो रहा है, उन लोगों को, आउटकास्ट लोगों को, अबांडन लोगों को यहाँ जमा करता है। इसलिए हमारे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ से भी यहाँ 3 तो अभी रखा हुआ है जी, या शिफ्ट करके रखा हुआ है मेंटल जो रिटार्डेड। ये आपको आइडिया कैसे है कि आपको ऐसे मेंटली चैलेंज लोगों को हेल्प करना चाहिए, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में? इसको सेवा करने का पीछे मैं आरंभ में मैं एक एल्कोहलिक एडिक्शन, और उस एडिक्शन जो है एक नॉर्मल एडिक्शन नहीं है जी, बिल्कुल जीवन और मृत्यु का सीमा में मैंने जीला है जी, मेरा लीवर सिरोसिस हो गया जी, और उसके ऊपर में समाज मुझे रिजेक्शन मतलब आज आप भी अनुभव कर सकते हैं, कोई ड्रग्स लेने वालों को, ये तो ड्रगिस्ट है, ये तो ड्रंकर है, ये तो एडिक्शन है, हर कोई एक फीलिंग्स आता है ना, वो फीलिंग्स इटसेल्फ इज अ रिजेक्शन। और ऐसे फीलिंग्स आने वाला लोगों से हम मदद कैसे उम्मीद करेंगे, वो हम मदद नहीं कर सकता है। ऐसे समाज से आउटकास्ट सताया हुआ मैंने जीला है जी, और उस दर्द वही मेरे लिए क्वालिफिकेशन बन गया, आज मैंने रियलाइज किया, तब वो मेरे मन में हर टचिंग हुआ बहुत, वही मेरे मन में टर्न अप हुआ, तब मैं मन ही मन से आंसू निकला, और मैंने मन उसको वो सिचुएशन को मैंने फायदा उठा के ना निराशा हुआ है, ना डिस्करेज हुआ, ना डिस्ट्रेस हुआ, बल्कि मैं अपने ऊपर में दया लगा है, मेरे तकलीफ का ऊपर खुद दया लगा है, तब वो दया लगा हुआ को मैंने बात में हो जो फिर दूसरा का ऊपर में जो पिलती लैब में कोई मेंटली रिटार्डेड आदमी किसी का बरंदा में सोता है, डस्टबिन में खा के घूमते वगैरह यहाँ मार्केट में, और बस वेटिंग सीट में सोता है,
अभी जो ये पकड़ के ले गया वो भी यहाँ IGP का ऑफिस वहाँ पे जो वेटिंग से था हमेशा वहाँ से होता था, हम वहाँ से उठा के यहाँ रखा। ओके, तो उन लोगों का प्रति मैं अपने दर्द को अनुभव करके वो भी मेरा जैसा हो रहा है बेचारा, उसको भी आदमी लोग कितना मेरा रिजेक्ट कर रहा होगा, वो भी मदद चाहता है लेकिन कोई मदद देना नहीं चाहता है, वो भी थोड़ा आदमी से कुछ उम्मीद करता है लेकिन लोग उसको सताया, वो भी मेरा जैसा होता होगा। तब मेरा ये दिल का धड़कन जो है उबलता है, उछल आता है, तब मैं दूसरों का प्रति प्यार का हाथ बढ़ाने लगा। यही है मेरा सीक्रेट। तो ऐसे ही करके 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 तब कोई कुछ हैंडफुल ऑफ कुछ पीपल लोग जाना है और जानकर कोई पर्सनली सर हमारा भी एक ऐसा है अपना तो रख दीजिए ना, महीना में खाने पीने के तो राम लोग साथ देगा। तब हम चुकीदार जैसा उसके लिए कर करके समझ गए ना, चुकीदार जैसा कर देता तो उसके लिए हम कीपर बनाए। जैसे आप मेंटल प्रॉब्लम आपको परिवार यहाँ लाया तो आपका कीपर मैंने बना, आपके साथ हम रहा, आपको मैं पाला पोसा, आपको मैं नहलाया, प्रैक्टिकली मैं गिना नहीं करके पूरा किया। तब ऐसे ही करके किया तब उस परिवार तो मुझे नीचे प्यार होगा क्योंकि मेरा परिवार का जो बेचैनी से चैन से नहीं सो पाता, चैन से खा नहीं पाता है, हमारा परिवार को दर्द को वो पल दे रहा है। तो परिवार का संगति मेरे ऊपर फिर हाथ बढ़ाने लगा, ऐसे ऐसे करके रिश्ता बन के आगे बढ़ा है। यही है सीक्रेट। आज ये संस्था चला रहा है अभी तुम्हें सेवा के बदले में इन रिटर्न कुछ पैसा कमाना जी। ऐसा होना है तुम्हें यहाँ फीस लेना था ना जी जी एकदम। हर कोई यहाँ एडमिट करते समय पूछते सर फीस कितना है, भैया मैं सेवा के बदले में फीस लेने, सेवा के बदले में इन रिटर्न कैसे अकाउंट लेना, वो मेरा बिजनेस नहीं है। मैं मात्र अपना कैपेसिटी अपना एबिलिटी में जितना हो सकता अपना प्यार को बांट रहा हूँ। तो सर आप कितना साल हो गया इसको चलाते हुए? अब 2005 से लेकर 2011 सितंबर को यहाँ छोटा सा एक मकान बनाया था जी। चार पांच आदमी के लिए जी। और उधर से लेकर अब तक चला आ रहा है। okay. और अभी यहाँ पेशेंट जो है जो हमारा इनमेट्स को मिलाकर ये जो क्या बोलते हैं हमारा वॉलंटियर स्टाफ को मिलाकर 212 है। okay. तो उससे आप अंदाजा लगे 2005 से लेकर अभी कितना लगभग 17 years आई थिंक। आप एक इंस्पिरेशन हो, हम सब के लिए इंस्पिरेशन हो आप सर। मतलब फ्यूचर में अगर मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ लोगों के लिए, समाज के लिए, मैं भी करना चाहता हूँ। फ्यूचर का तो देखेंगे सर, लेकिन मतलब वही जब आदमी को कुछ डिसीजन लेना होता है ना कि मुझे ये करना है, तब आदमी को पैसों की नहीं जिगर की ज़रूरत होती है। तो वो जिगर आप में मैंने देखा है, वो आप में मैंने देखा है। तो फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो काफ़ी होता होगा सर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हर कोई पूछता है जी, ये पूछने का लायक भी है, काबिल है, लाजमी है, क्योंकि इतना सारा संख्या को सेवा करना जी। हम ना नौकरी करते हैं ना इन लोगों को सेवा करके हम फीस लेते हैं जी। मैं अभी सीक्रेट को बताया जी। एक तरफ बोलने से मिरेकल्स बोलने से भी होगा जी। दूसरा तब बोलने से मैं इन लोगों को सेवा करके पब्लिक का प्यार को मैंने जीता है जी। जैसे कि पर्सनली आपका एक पेशेंट है जी, मेंटली रिटार्डेड है, आपका घर में पाल नहीं सक रहा जी। तो आपके लिए मैं शेयरिंग कर, मैं आई हेल्प यू। तो आपको मदद करने से आप मुझे प्यार नहीं करेगा? 100% करेगा। वही है, आप भी मुझे प्यार तब शेयरिंग करता है, मेरा दर्द को देख दे रहा है जी। तो उसके लिए हम भी देख देना। तो ऐसे ही करके यहाँ बीच बीच में उन लोग केस हो या काइंड हो उन लोग कंट्रीब्यूट करता है जी। तो उसको हम यहाँ पे लेकर हम लोग अभी स्टोर एक ही है, हम जो सब्जी खाता है वो सब्जी उन लोग खाता है, हम जिस चावल को खाता है उन लोग वही खाता है। हम यहाँ पे हम चलाने वाला, हम सेना 56 inch पुल के ऑर्डर देने वाला नहीं होता, वो उन्हें सच नहीं होगा। हम लोग परिवार एक लार्ज परिवार का रूप में चला आ रहा है। और बाहर से हमारा कोई अभी तक गवर्नमेंट से फंडिंग ये वो मतलब ग्रांट इन एड से वो सब हमारा बिल्कुल नहीं है, मतलब क्योंकि क्लियर बात को बताना अच्छा है जी, जी। परमानेंट वाला कुछ भी गवर्नमेंट से नहीं है कि मंथली मंथली आता रहेगा, कुछ भी नहीं, नहीं नहीं खाने पीने का कुछ भी नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट से हमको ये एम्बुलेंस दिया है जी,
और यहाँ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर दिया हुआ है गवर्नमेंट से अभी तक, लेकिन अगले बार में गवर्नमेंट भी थोड़ा एश्योर कर रहा है अभी साथ देगा वो के गवर्नमेंट से। और लास्ट टाइम हमारा जो आलो लेबंग सर आगे में आके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तरती विदित के लिए, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है और वो भी अभी सुना है फाइनल स्टेज में हो रहा है, लेकिन अभी तक तो हुआ ही नहीं, वो हो जाएगा आशा करता है। और मैं वही चाहूँगा कि जो जो अगर गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स मिनिस्टर्स वगैरह देख रहे हैं, दीपक नवम लिविंग होम में कुछ ऐसा करिए जिससे कि रेगुलरली एटलीस्ट राशन का तो कुछ मिल जाए इनको फीड करने के लिए, क्योंकि मतलब एक अकेले बंदे के लिए आप पूरा अकेला और कोई भी आपके साथ नहीं, पार्टनर वगैरह कोई नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल पार्टनर वैसे ओके, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है। बट इनके वर्ड्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, इनके वर्ड्स से मुझे पता चला कि लोगों को ना जब किसी की हेल्प करनी होती है तब पैसों से ज़्यादा पैशन की ज़रूरत होती है। अगर जब तक आपके दिल से वो चीज़ नहीं निकलेगा जी, जी। तो आपके पास जितने भी पैसे हो आप लोगों की मदद नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो लोगों की मदद करते हो आपको भी भगवान उतना ही दे, मैं दिल से यही चाहूँगा। उसके बाद लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करें, दीपक नवम सर का जो लिविंग होम है यहाँ पे आके विजिट करें, तब आपको खुद पता चले। मैं इसको मदद जैसा नहीं सोच रहा, मैं प्रिविलेज से ऐसा सोच रहा जी जी, दूसरों का प्रति में थोड़ा कम से कम अपने ज़िंदगी में काम आया जी जी। हर कोई तो अपने लिए तो कर लेता है, उसके लिए तो सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है जी, लेकिन मैं कम से कम दूसरों को जो अपने आप को डिनाइड करके दूसरों के लिए सोचा है वही सबसे मेरे लिए गर्व महसूस करता हूँ। जैसा कि लोग समझते हैं सर ना कि जो लोग लाइफ में बहुत बड़ा बन जाते हैं, बड़ा बिजनेसमैन बन जाते हैं, बड़ा अचीव कर लेते हैं, वो लोग मतलब उन लोगों की लाइफ बड़ी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो लोग ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करते हैं ना उन लोगों की लाइफ बड़ी होती है। कहा जाता है कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो अगर आपको अपना जो ज़िंदगी है उसको ऐसा मतलब सुपीरियर जीना है तो लोगों की मदद कीजिए, तब आपको लगेगा कि आपने कुछ किया है लाइफ में। पैसा कमाना वो सब कुछ नहीं होता। थैंक यू। आप ये चीज़ को दो प्रकार का बड़ा के बारे में आपने जो स्पेसिफिकली जो डिफाइन किया है जी, जो लोगों का गरीबी लोगों का ड्रेस को पहन के अपने आप को बड़ा समझते हैं वो गलत बात है। हम यहाँ चेयर में बैठ कर वहाँ से इधर से उधर से नौकर चाकर को बुला कर फिर हाथ पैर धुला दो, वो बड़ा नहीं है एक्चुअली। जो नौकर चक्र आके आपका पैर को धुला रहे हो सबसे बड़ा है, क्योंकि ही हैज कैपेसिटी टू सर्व यू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आप ये चीज़ को समझा, आपको भी प्रभु आशीष करेगा भविष्य में। ये समझ हमारा समाज में चाहिए, ऐसे राइट इंटरप्रिटेशन नहीं होने से हर आदमी को मंत्री MLA वो बिजनेस में वो लोग बड़ा है बोलता है, खुद को बड़ा एक्चुअली देर नॉट ए बिग मैन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली व्हाट आई अंडरस्टैंड मेरा भी यही मानना है। यस सर जी सर, क्योंकि हम गरीबी लोगों के काम आ रहे हैं ना जी जी। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि उम्मीद नहीं मुझे श्योर है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स लोग देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ऑडियंस देख रहे हैं, वो यहाँ पे विजिट करेंगे और मदद करेंगे और इन लोगों की मदद करेंगे। तो गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ का कंडीशन और यहाँ के लोग कितने प्यार से रहते हैं, बस ज़रूरत है तो दुआ की कि ये लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप लोग भी प्रे करना और हो सके तो प्लीज़ डोनेट करना। मैं भी अभी आऊँगा, डोनेट करता रहूँगा मैं भी यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों को डोनेशन की सख्त ज़रूरत है। डोनेशन का जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने नवम सर का। तो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग खत्म होता है और भैया थैंक यू सो मच आपको। थैंक यू सो मच आपको भी यहाँ आने के लिए जी जी। और फिर मिलता रहेगा। हाँ। अभी हम कुछ बहुत क्रिएटिव आइडियाज लेके आ पाएगा, इन लोगों को एंटरटेन करने के लिए आएगा ना। हाँ हाँ जरूर जरूर। पब्लिक लोग के लिए तो गाते हैं हमेशा गाना। हाँ, तो हाँ। इन लोग के लिए भी हम गाना गाएगा। हाँ 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 बहुत बहुत अच्छा, आपको हमेशा हम लोग वेलकम करेगा, जब भी आ सकता है आप परिवार का रूप में जी। और आज के लिए थैंक यू ना विजिट करने के लिए। ऑडियंस आप लोग भी विजिट करने एनी टाइम यहाँ आ सकते हैं हम लोग का इधर दीपक नवम लिविंग होम में। यहाँ एनी टाइम जब भी आप आएगा हम लोग दिल से आप सबको स्वागत करेगा, एंटर करेगा। और जगह मालूम नहीं होने से यहाँ आर के मिशन अपोजिट जो डिवीजन 4 को थोड़ा पार्क पार करके सिंकी पार्क ईटानगर है, वहाँ आपका साइन बोर्ड दिखाई देगा, वहाँ जरूर आइए। सिंकी पार्क में है ईटानगर में। ओके थैंक यू सो मच। ओके आपको भी थैंक यू सो मच, आप बहुत शुक्रिया। सबके साथ आपका बॉन्डिंग मैंने देखा है बहुत अच्छा, आपका और भैया का बॉन्डिंग मुझे इन सभी के साथ बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता है बहुत कि दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है करके, तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस इसके साथ मेरा आज का व्लॉग खत्म होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड हैप्पी बर्थडे टू मी।